एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021। नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 को लेकर लगातार अभ्यर्थियों को इंतजार हो रहा है और आज 1 मई हो चुकी है। ऐसे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लगातार अभ्यर्थियों को इंतजार हो पा रहा है। क्या इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन मई के फर्स्ट वीक में आएगा या अभी जो आपका नोटिफिकेशन है उसको फिर से एसएससी की तरफ से पोस्टपोन किया जाएगा, इसको लेकर हम पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे। आखिर नोटिफिकेशन इसी यहाँ पर इसी इस हफ्ता में अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो क्या इस बार आपकी जो ऑनलाइन की डेट होगी वो काफी लंबे समय तक चलेगी, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे। एज क्राइटेरिया में क्या छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, लगातार कोविड के केसेज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने की क्या यहां पर आस है वो हम ले सकते हैं, इसको लेकर हम पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है, आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियली साइट पे और यहां पर आपको आगे आने वाले छोटे से बड़ी सभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट व एसएससीडी की लेटेस्ट अपडेट यहां पर आप देख पाएंगे। और यहां पर आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको अलग से ऑप्शन मिल जाएगा एसएससीडी कॉन्स्टेबल 2021। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा और एसएससीडी कॉन्स्टेबल भर्ती से रिगार्डिंग पूरी अपडेट यहाँ पर देख पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, एसएससी की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें बताया गया था कि मई के फर्स्ट वीक में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आज 1 मई हो चुका है, अभी दोस्तों यहां पर 6 दिन और पड़े हैं, लेकिन क्या इसी महीने इसी जो वीक में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ पाएगा, क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे? तो दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका इसी वीक में अगर आता है तो भी इस बार आपकी जो ऑनलाइन की डेट होगी वो काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में लगभग सभी यहाँ पर जो प्रकार की दुकानें साइबर कैफे वगैरह सब बंद पड़े हैं। ऐसे में बहुत सारे राज्य जहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो अभी आगे बढ़ सकती है, बिल्कुल दोस्तों बढ़ सकती है, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन है वो इसी हफ्ते में आने का, इसी वीक में आने का पूरा पूरा चांसेस है, लेकिन ऑनलाइन की जो डेट आपकी वो इस बार बढ़ सकती है। अब बात आती है क्या एज में छूट मिलेगी, क्योंकि फिर से दोस्तों 2018 की भर्ती जिस प्रकार कोविड के चलते 3 साल लटकती रही, उसी प्रकार इस बार भी कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भर्ती काफी लंबी चलेगी, काफी ज्यादा युवा एवरेज हो जाएंगे, तो हो सकता है एसएससी की तरफ से इस बार आपको एज में छूट दी जा सकती है। जनरल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है जो 23 साल तक अप्लाई कर पा रहे थे, अब उनको भी दोस्तों यहां पर 25 साल तक अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। वही बात करें ओबीसी के जो भी कैंडिडेट है वो 26 साल तक अप्लाई कर पा रहे थे एसएससीडी कांस्टेबल, लेकिन अब कोविड के चलते वो 28 साल तक अप्लाई कर पा सकते हैं, साथ ही एससी एसटी के जो कैंडिडेट है वो 30 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आपको एज क्रिटेरिया में एसएससी की तरफ से छूट दी जाएगी, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, बहुत सारे डेट ओवरेज हो चुके हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2018 की एसएससी जीडी के कांस्टेबल के जो कैंडिडेट थे जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जब उनके द्वारा एसएससी के अधिकारियों से बातचीत हुई तो एसएससी के अधिकारियों ने उनसे बोला कि हम पूरे जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं उन सभी को तो भर्ती कर नहीं सकते, लेकिन अगली जो आपकी भर्ती है 2021 की उसमें आपको एज में छूट दे दी जाएगी ताकि आप नई भर्ती भी देख सके। तो बिल्कुल दोस्तों हो सकता है इस बार आपको कम से कम 2 साल की एज छूट मिल सकती है, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है 2018 के बाद में 2021 तक जो 2018 की भर्ती है वो पूरी हो पाई है, अब नई भर्ती का लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। 2020 में एसएससीडी की वैकेंसी आनी थी लेकिन कोविड के चलते नहीं आ पाई, क्योंकि 2018 की भर्ती है वो पूरी नहीं हो पाई थी। अब दोस्तों यहाँ पर 2021 की जो एसएससीडी कांस्टेबल की भर्ती है उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन मई के फर्स्ट वीक में आना है और मई के फर्स्ट वीक में ही आएगा। हो सकता है दोस्तों आपके जो ऑनलाइन की डेट है वो काफ़ी लंबी चल सकती है, आपका जो एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने और इसी वीक में आएगा, मई के फर्स्ट वीक में। तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको एसएससीडी के लिए आपको तैयार रहना है और तैयारी में जुट
जाना सही, नोटिफिकेशन है वो जल्द ही एसएससी अब जारी करने वाली है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे आने वाली एसएससीडी कॉन्स्टेबल भर्ती से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।